जनपद हापुड़ के कांग्रेस प्रभारी पुरुषोत्तम नागर ने मंगलवार को हापुड़ में आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आ गई है और विपक्षी नेताओं के विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी पुरुषोत्तम नागर मंगलवार को हापुड़ में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने सुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बदमाश विनोद उपाध्याय की मुठभेड़ को फर्जी करार दिया और मुठभेड़ की न्यायिक जाँच की मांग की। वाराणसी में एक युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने पर नाराजगी जाहिर की। कांग्रेसजनों ने मुकदमा वापस लेने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सूबे में बढ़ते हुए अपराधों से लोगों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। इस मौके पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अभिषेक गोयल, अरविंद शर्मा, गौरव गर्ग, मनस्वी जकरिया आदि उपस्थित रहे। तमाम साथी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हमारे महानगर अध्यक्ष ने बताया कि आज पूरा प्रदेश किस तरह अपराध की आग में झुलस रहा है, एक जो 2023 की जो NCRB की रिपोर्ट है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराधों के मामले में पहले स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में होने वाले अपराधों में 15% अपराध केवल उत्तर प्रदेश में होते हैं। इस हालात इतने बदतर हो गए हैं कि जिसकी मैं आपको दो उदाहरण देकर, आज जो प्रेस हम लोगों ने बुलाई है उसमें दो उदाहरण देकर जो भी तत्कालीन हुए उसके बारे में कि किस तरह अपराध पूरे प्रदेश में है, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 10 तारीख को नगर पालिका में स्थित गांधी जी की प्रतिमा के पास बैठकर कांग्रेस के सभी लोग विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे इन दोनों घटनाओं के ऊपर बहुत मजबूती के साथ, और ज्ञापन देने का काम संबंधित अधिकारियों को करेंगे। महामहिम राज्यपाल जी को संबोधित ज्ञापन हम प्रशासन के माध्यम से भेजने का काम करेंगे। इस मांग के चलते कि जिस प्रकार आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर इस देश को बहकाने का काम किया, वाराणसी की बेटियों के साथ इस तरह की घटना हुई, इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उनसे इस बात का वो करना चाहिए। ये जो काम हुआ है बहुत ही गंदा काम हुआ है।